नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। तो किसान भाइयों, तिलहन की फसलों में सरसों का भारतवर्ष में विशेष स्थान है। सरसों में अनेक प्रकार के कीट समय समय पर आक्रमण करते हैं, जिनमें से माहू कीट प्रमुख है। किसान भाइयों, यह कीट पंखहीन अथवा पंखयुक्त हल्के फ्लेटी या हरे रंग के 1.5 से 3 mm लंबे चुभाने एवं चुफने मुखांग वाले छोटे कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं पौध पौधे के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों एवं नई फलियों से रस चूसकर उसे कमजोर एवं क्षतिग्रस्त तो करते ही हैं, साथ ही साथ रस चूसते समय पत्तियों पर मधुस्राव भी करते हैं। इस मधुस्राव पर काले कवक का प्रकोप हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। इस कीट का प्रकोप दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रबंधन एवं बचाव के बारे में। एकीकृत प्रबंधन में गर्मी की जुताई करनी चाहिए, 20 अक्टूबर तक बुआई कर देनी चाहिए, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि नत्रजन की अधिक मात्रा एवं पोटाश की कमी होने पर माहू से हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। फसल के बुआई के 4th सप्ताह में सिंचाई करने से चूफक कीट का प्रकोप कम हो जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक विधि से बचाव की। तो पहला दवा है डाइमेथिएट 30 EC दवा को 2 mL प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, या इमिडाक्लोप्रिड दवा को 1 mL प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से माहू का प्रकोप खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों तक पहुँच सके। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।